2019 के चुनाव के लिए मैं आपको एक खास बात समझाना चाहता हूं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और अगर ये बात आप समझते हैं जिसे मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि आरएसएस के लोगों ने एक रणनीति बनाई और रणनीति क्या है कि ओबीसी की संख्या 52% है। अगर 52% के एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सारा 52% बीजेपी को समर्थन देगा और बीजेपी का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा ओबीसी, एक आदमी बनेगा, सारी सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहेगी। एक आदमी देश का प्रधानमंत्री रहेगा और सारी सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहेगी। और एक आदमी ने ज्यादा चू चपड़ किया तो जैसे पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी वैसे इनकी भी हत्या करने के लिए वो आगे पीछे देखने वाले लोग नहीं है। और नरेंद्र मोदी को आगाह करने के लिए गोपीनाथ मुंडे नाम का ओबीसी का जो मंत्री था उसको उन्होंने 8 दिन में मार दिया, मंत्री बनाया 8 दिन में फिर मार दिया। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, ये जानकारी आप लोगों को बता रहा हूं। तो आरएसएस ने रणनीति बनाई कि एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बना दो तो 52% ओबीसी ओबीसी के समर्थन में खड़ा हो जाएगा और ओबीसी का इस्तेमाल करना संभव होगा। इसको 2019 के चुनाव में काउंटर रणनीति बनाना पड़ेगा। यदि काउंटर रणनीति बनानी पड़े तो मेरा यह कहना है कि शरद यादव को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करो। शरद यादव ने जिंदगी भर पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। दूसरी बात, शरद यादव जी पर भ्रष्टाचार का आज तक कोई आरोप नहीं है। शरद यादव जी पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। शरद यादव कई बार सेंट्रल में मिनिस्टर रहे और लगभग 40 साल से राजनीति में है। अभी 73 की उनकी उम्र है, लगभग 40 साल से राजनीति में है तो राजनीति का बहुत दीर्घ अनुभव भी है। उसके साथ साथ मंत्री रहने की वजह से कई मंत्रालयों के प्रशासनिक दक्षता और मंत्रालय चलाने का अनुभव भी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है तो उसके विरोध में, क्योंकि वो ओबीसी का आदमी है, ओबीसी के लोग, ओबीसी का प्रधानमंत्री है इसलिए ओबीसी को वोट देंगे, उसको काउंटर करने के लिए उसके सामने ओबीसी का ही आदमी, उसके बराबरी का आदमी बल्कि उससे ज्यादा सीनियर आदमी, क्योंकि ये 66 साल का है और शरद जी 73 ईयर के हैं, उनसे सीनियर भी है, अनुभवी भी है। और इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से उनको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। और राजनीतिक पार्टी के लोग अगर ईमानदारी से बीजेपी को हराना चाहते हैं तो शरद जी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाना होगा। कुछ लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मण होने की वजह से उनको सारे देश के लोगों के वोट नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं पड़ सकते, ओबीसी के वोट नहीं पड़ सकते, वो सफलता नहीं मिलेगी। मायावती पर भ्रष्टाचार का आरोप है, परिवारवाद का आरोप है और मायावती पर न जाने और कितने आरोप है। उसकी पार्टी, चुनाव आयोग ने उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने का भी लेटर दिया है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, इसकी वजह से मायावती की छवि भी प्रधानमंत्री की पद के लिए योग्य नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी ने मायावती का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया, उसका मकसद केवल इतना है
कि मायावती के समर्थक लोगों का कांग्रेस के समर्थन में इस्तेमाल करने की कांग्रेस की रणनीति है। चुनाव में वोट लेने के लिए है, वोट लेने के बाद दूसरे ही दिन कांग्रेस वाले बदल जाएंगे। कांग्रेस का तो धोखाधड़ी का बहुत लंबा इतिहास है, और ये धोखाधड़ी का इतिहास गांधी जी से शुरू होता है और फिर गांधियों तक आकर चलता है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शरद जी को सभी 17-18 दल के जो लोग हैं उन लोगों को प्रधानमंत्री पद का घोषित उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। अगर उन लोगों को शरद जी के नाम पर घोषणा करने के लिए कोई आपत्ति है तो हम वामसेव के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग और शिव संगठन के लोग और बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग, इनको किसी का बंधन है? हम किसी और की थोड़ी सुनते हैं। इसलिए मैं इस मंच से, अगर राजनीतिक पार्टियां उनको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित नहीं करती है तो हम अपने संगठन के तरफ से शरद जी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करते हैं। हम उनका समर्थन करेंगे, कोई करे या ना करे। अब मुझे पूछा जाएगा भी आप समर्थन करने से क्या फायदा होगा? हमारे समर्थन करने से 100% ओबीसी ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ा नहीं होगा, और ओबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे भी समर्थन में खड़ा हो सकता है। इससे आरएसएस की रणनीति, ब्राह्मणों की रणनीति कमजोर हो सकती है। ऐसा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मैं ये सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, क्या इस दूसरे लोगों को भी समझ में आना चाहिए। बगैर सोचे समझे मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, तो ये एक बात है, इस पर भी आप लोग विचार करिए। और मैं सोशल मीडिया के लोगों को भी इस बात को वायरल करने के लिए भी अनुरोध करूंगा, सारे देश और दुनिया में इस बात को प्रचार में लाया जाए।